काला सूट पावे जदों कैर लगे जहर साडे दिल नूं चढ़ाएगी। चक दियां अख फिर तक दियां लगदा ए हस के जान लै जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में ये वाला ब्राइडल शावर लुक होने वाला है विद ब्लैक थीम। ब्लैक थीम जो है वो बहुत ही कॉमन है। ब्राइडल शावर्स में अक्सर ब्लैक, वाइट, पिंक इसी यही थीम्स रखी जाती हैं, लेकिन आजकल जो है लड़कियों का, लड़कों का, सबका ही फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है। तो हमने ब्लैक थीम आज डिसाइड की कि आज मैं इस वीडियो में ब्लैक थीम को ही ब्राइडल शावर के लिए रखती हूँ। तो जी, आज की वीडियो होने वाली है इस लुक के ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैंने न्यूड लिप्स इसलिए रखी हैं क्योंकि हमारा जो पूरा लुक है वो bomb.com है, तो हमने लिप्स को थोड़ा लाइट ही रखना है, ठीक है, ताकि हमारी आंखों की तरफ ज़्यादा नज़र जा सके। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। पूरी वीडियो वॉच करनी है, वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करने लगी हूँ प्राइमर, सोफी ऑर्चर्ड का प्राइमर है। आप लोग कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं सिर्फ एक पंप लूँगी क्योंकि प्राइमर जो है वो थोड़ी ही क्वांटिटी में अप्लाई किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है और इसको अपनी टी जोन एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, प्राइमर हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मिस रोसा कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिस रोसा कंसीलर पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने कंसीलर को अप्लाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी पूरी फेस के ऊपर, टैपिंग मोशन है। फाउंडेशन को आपने हमेशा टैपिंग मोशन में ही ब्लेंड करना है। अगर आप लोगों ने फुल फाउंडेशन की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया फेस के ऊपर, और आईलिड के लिए भी मैंने सेम कंसीलर ही यूज़ किया है। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा कंसीलर नहीं लगाया, जो हमने फेस के ऊपर लगाया था हमने उसी से अपनी आईलिड को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है और कवरेज कितनी अच्छी है इस कंसीलर की, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिस्टीन कलर्स पाउडर अप्लाई करने लगी अपने पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन को सेट करने के लिए, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आपकी फाउंडेशन को सेट करने के लिए। तो इसमें मेरा शेड है नेचुरल पिंक 320 और येलोज पाउडर है, ठीक है। इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पाउडर हमने अच्छी तरीके से फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। लूज पाउडर हम लोग इसलिए ज़्यादा फेस के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारी जो बेस है वो सेट हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपकी बेस को केकी नहीं बनाता, ये सिर्फ उतना ही अपने अंदर प्रोडक्ट लेता है जितना आपकी फाउंडेशन को जरूरत होती है, बाकी वो छोड़ देता है, आप फिर बाकी उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्राउज को फिल कर लेंगे हम लोग। क्रिस्टीन की आईब्रो किट है ये, और इसमें मैं डार्क ब्राउन शेड जो है इसमें मैं ये वाला शेड जो है इससे अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने एक आईब्रो अपना फिल कर लिया और कितना ह्यूज डिफरेंस आया। आईब्रो फिल करने से हमारा जो फेस होता है एकदम से खिल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस आएगा। आप मेरा एक आईब्रो देख सकते हैं, दूसरा आईब्रो देख सकते हैं, कितना ही वाजह डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक आईब्रो आप सबके सामने फिल करती हूँ और आपको भी बताती हूँ किस तरीके से फिल करना है। हमने फ्रंट का जितना पार्ट होता है ना वो आपने पहले छोड़ना है, ब्रश पर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और नॉर्मल प्रोडक्ट लेना, भर के नहीं लेना ज़्यादा वरना वो फॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड ब्रश आपने चलाना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल आप देखें कि मैं अपनी शेप को ही फॉलो कर रही हूँ, मैं ओवर नहीं जा रही अपनी शेप से। और इसको ये देख सकते हैं आप लोग, हमने आधा फिल कर लिया और शेप हमारी निकलने लग गई। अब इसको हम लोग नीचे जो आर्च है उसको फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोगों ने नीचे की तरफ फिल करना है, जो ये वाला होगा ना, ये वाला पार्ट यहाँ से आर्च तक, वो आप लोगों ने ब्रश को ऐसे ऐसे चलाना है, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे मैं बैकवर्ड की तरफ ब्रश को चला रही हूँ, और फिर जब आर्च नीचे आपने फिल करना होगा तो नीचे की तरफ ब्रश चलेगा। आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग फ्रंट की तरफ आएंगे, ठीक है। फ्रंट की तरफ भी आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से ब्रश को नहीं अप्लाई कर लेना प्रोडक्ट को लेके, तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करीब करीब आते जाएंगे, ठीक है, आईब्रो के फ्रंट की तरफ। और कभी भी आप लोगों ने प्रोडक्ट एकदम से ज़्यादा फ्रंट पे कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग कि ये जो आगे वाले हैं ना हमारे आईब्रोज, इसको हम लोग अपवर्ड की तरफ स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ अब ब्रश चल रहा है, यहाँ पे देखिए अब मैं ऊपर की तरफ ब्रश को चला रही हूँ, और नीचे एक लाइन आप लोगों ने डाल देनी है, देखें इस तरीके से, ताकि आपको अपनी शेप पता चल सके और ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ना लग जाए और ओवर ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अपवर्ड की तरफ जो है बाकी के ब्रश को अपना चला रही हूँ,
क्योंकि हमारे जो आगे के बाल थे वो खड़े हुए होते हैं और जो पीछे के होते हैं वो इस तरफ होते हैं, ठीक है। तो पीछे के बालों पे हम लोगों ने ऐसे ब्रश को चलाना है और आगे के बालों पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे आईब्रोज जो हैं वो अच्छी तरीके से हमने फिल कर लिए, और आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आईब्रोज को फिल किया जाता है, ठीक है। तो जी यहाँ पे हमारे आईब्रोज अच्छी तरीके से हमने बना लिए। हम लोग जो है क्रिस्टीन की ही पैलेट से ये वाला प्रोडक्ट लेंगे और ये अपनी पूरी क्रेज लाइन पे डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया और इसको हम लोग अपनी क्रेज लाइन में लगा लेंगे। ये जो हमने कलर अप्लाई किया है इसको हम लोग क्रेज के अंदर ही रखेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे जब तक हमें एक अच्छा कलर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने इतना प्रोडक्ट लगाया, ठीक है। और बाकी हम लोग आज स्मोकी आइज़ कर रहे हैं, तो स्मोकी आइज़ में जो भी हमारा टच होता है वो ब्राउन का और ब्लैक का ही आता है, ठीक है। इस कैप के अंदर पानी ले लेंगे थोड़ा सा। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने वाटर से इसको एक्टिवेट कर लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल, आप लोग चाहें तो इसको लाइनर की तरह भी मोटा मोटा अप्लाई कर सकते हो और रफली भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रफली ही ड्रॉ कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि इसको वैसे भी हम लोगों ने ब्लेंड ही करना है। तो आप लोगों ने इसको इतने एरिया पर ही रखना है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतने एरिया पर रखेंगे और इसको हम लोगों ने ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, वरना ये बिल्कुल अगर ड्राई हो गया तो ब्लेंडिंग इसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये जो ब्राउन शेड है हम इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमने ब्लैक शेड अप्लाई किया है वहीं से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना आप लोगों ने। अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाना है जब तक आपको एक डिजायर कलर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्राउन कलर थोड़ा थोड़ा पिक करेंगे और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही शेड आप लोगों ने पिक करना है और ब्लेंडिंग इसकी करनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी जो है आई ऊपर का जो आई मेकअप है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक आंख कंप्लीट कर लिया है, और ऊपर की ब्लेंडिंग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ब्राउन के साथ मिक्स करके उसको ब्लेंड किया है। तो अब यहाँ पर मैं सेम दूसरी आंख पर भी इसी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग की है, और यहाँ पे सेम दूसरी आंख पर भी कर लेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों आईज के ऊपर ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे ग्लिटर्स को अप्लाई कर लेंगे, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है वीडियो का कि कोई ग्लिटर हम लोग अप्लाई कर रहे हो आंखों के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे ये डार्क पर्पल कलर का है, तो ब्लैक के स्टोन में भी आ रहा है, तो हम लोग ये अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा इस लुक के साथ, देख सकते हैं आप लोग, ये पता नहीं चल रहा कि पर्पल है या ब्लैक है। तो हम लोग इस लुक के अंदर ये वाला ग्लिटर्स ऐड करने लगे हैं। तो जहाँ तक हम लोगों ने अपना ब्लैक शेड अप्लाई किया है वहाँ तक हम लोगों ने करना है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने ग्लिटर्स को अप्लाई कर लिया, और देख सकते हैं आप लोग कितना ही प्यार लग रहा है। कैमरा में इतने अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ग्लिटर्स, ठीक है। आप लोग चाहें तो सॉफ्ट लुक वैसे भी छोड़ सकते थे और ग्लिटर्स भी अप्लाई करना चाहें तो ग्लिटर्स भी कर सकते थे। मैंने थोड़ा पार्टी वाला लुक दिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्राइडल शावर के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चंकी लुक भी होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, और यहाँ पर हमने इनर कॉर्नर्स के अंदर अप्लाई करना है इसको, ठीक है। इनर कॉर्नर्स के अंदर हम लोगों ने शेड को अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रहे हैं सेम शेड से। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना ही ब्यूटीफुल लुक निकल के आया है। अब हमने क्या करना है कि सेम जो हम लोगों ने आँख के ऊपर ब्राउन शेड अप्लाई किया था, हम लोगों ने सेम वही शेड नीचे अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लुक है आई लुक प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, और कितना ही प्यारा लुक निकल के आया है। अब यहाँ पर मैं बॉब का मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक कोट अप्लाई कर लेंगे। तो जी अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वाइट आई पेंसिल जो है आंखों के अंदर लगा लेंगे। अगर आपको ब्लैक लगानी है तो आप लोग ब्लैक भी लगा सकते हो। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने वाइट जो है अपनी पेंसिल लगा ली, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो आप लोग लगा सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वाइट पेंसिल लगाने के बाद हमारी आंखें जो हैं वो खुली खुली लग रही हैं, ठीक है,
और आप लोग देख सकते हैं कि लुक कितना ही प्यारा टर्न आउट हुआ है। और इसके बाद जो भी हम लोगों ने पाउडर अप्लाई किया होगा उसको हम अच्छी तरीके से फेस के ऊपर से डस्ट ऑफ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉन्जिंग कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है पाउडर लगाया है और कंसीलर लगाया, उससे हमारे जो फेस के फीचर्स होते हैं वो छुप जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हल्की सी ब्रॉन्जिंग कर लेंगे। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं सेम ये वाला शेड यूज़ करने लगी हूँ और इसको मैंने ब्रश भी ले लिया और थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे तो ये एक्सेस जो होगा वो निकल जाएगा। ब्रॉन्जिंग जो है वो कर ली है और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस की जो शेप है, फीचर्स हैं वो दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लश ऑन के लिए मैं क्रिस्टीन की ब्लश ऑन किट है ये, और इसके अंदर हमारे पास 8 शेड्स अवेलेबल होते हैं इस किट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मैं ये वाला और ये वाला शेड मिक्स करके अप्लाई करने लगी हूँ अपने चीक्स के ऊपर। हम लोगों ने देखें यहाँ पे ब्रश पे ले लिया ब्लश ऑन, अब यहाँ पे हम लोग टैप कर देंगे तो जो एक्सेस होगा वो निकल जाएगा और बाकी आप लोगों ने ऐसे पहले पीछे से अप्लाई करना स्टार्ट करना है और फिर आगे की तरफ लेके आना है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी हम लोगों ने ब्लश ऑन अप्लाई किया और कितना ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा हैवी ही करना है ताकि अच्छा लगे, और ब्लैक सूट के साथ तो फिर जब आप स्मोकी आइज करें तो ब्लश ऑन को थोड़ा सा हैवी ही रखना चाहिए ताकि आपके जो चीक्स हैं वो गुलाबी गुलाबी और बहुत ही प्यारे लगें, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर भी हम लोगों ने सेम तरीके से अप्लाई कर लेना है। द कलर वर्कशॉप की ये पैलेट है और इसमें से मैं ये वाला हाइलाइटर शेड ले रही हूँ और इसको हम लोग अपने टॉप यहाँ पे हाइलाइटर को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई करना है, इसको फिंगर की मदद से ही कर रही हूँ मैं। फॉरहेड पे हम लोगों ने ऐसे करके अप्लाई करना है, कुछ लोग सेंटर में ऐसे करके अप्लाई करते हैं तो उससे आपका जो है वो फोरहेड बड़ा लगने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका फोरहेड जो है वो चौड़ा लगेगा, ठीक है। फर्क देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे। लिपस्टिक के लिए मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देने लगी हूँ, आप लोग ये रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हो जो कि स्मोकी आईज, ब्लैक ड्रेस और रेड कलर, तो फिर क्या ही बात है वाह। और आप लोग चाहें तो ये न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सा शेड अप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पर न्यूड शेड ही अप्लाई कर लेती हूँ। अगर अच्छा ना लगे तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है और इस लुक के साथ ये लिपस्टिक भी अच्छी लग रही है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने आईज़ जो हैं वो हम लोगों ने बहुत ही ड्रामेटिक बना ली हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लिप्स को न्यूड ही रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जी हमारा मेकअप लुक। अब हम लोग हेयर स्टाइल के लिए क्या कर लेंगे कि आप लोगों ने पहले फ्रंट के पार्टीशन से थोड़े से बाल निकाल लेने हैं। हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले फ्रंट का सेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जितना पफ निकालना होगा उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे फ्रंट के बाल निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने बाल ले लिए, ठीक है। और सेम दूसरी साइड से भी हम लोग इतने ही बाल ले लेंगे, एयर टू एयर सेक्शन करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी मैंने इतने बाल निकाल लिए। बाकी के जो बाल होंगे उनको हमने एक हाई पोनी टेल में बना लेना है, ठीक है। पोनी टेल बना ली, ठीक है। हम लोगों ने इसको हाई ही रखना है। तो यहाँ पे हमारी जो है पोनी टेल बन चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमारा हेयर स्टाइल जो है जी रेडी हो चुका है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हाई पोनीटेल बनाई है और उसके बाद जी हम लोगों ने अब साइड पे इसको लेके आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको कान के पीछे बालों को सिक्योर कर लिया है। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने ये जी एक छोटी सी लट निकाली है और बाकी बाल जो हैं हमारे हो चुके हैं। ये था जी बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल, इस लुक के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। और आप लोगों को मैं करीब से भी दिखा देती हूँ ये लुक कितना ही क्यूट लग रहा है। और मैंने लिप्स को इसलिए न्यूट रखा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने लिप्स को न्यूट क्यों रखा है। और क्योंकि हमारी जो आईज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने ड्रामेटिक की हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर आप लोग लेंस भी वेयर कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लेंस वेयर नहीं किए। अगर मैं लेंस वेयर करके आती हूँ तो फिर कैसा लुक निकलता है, शुड आई ट्राई। चले मैं इसको लेंस के साथ भी आपको लुक दिखाती हूँ करके, होपफुली कि ये पानी ना निकले मेरी आंखों से और
अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लेंस के साथ भी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने लेंस को वियर कर लिया है और लेंस के साथ ये लुक कितना ही इनहेंसिंग लग रहा है और कितना ही अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल फिनिश लुक, कैसा लगा आप सबको जरूर बताएगा। और हेयर स्टाइल मैंने बहुत ही सिंपल रखा है कि घर पर जो लड़कियाँ तैयार होती हैं उनके लिए, ताकि मुश्किल ना हो, बस हाई पोनीटेल करनी है। मेरे बाल थोड़े छोटे हैं तो इसलिए मैं एक्सटेंशन लगा लेती हूँ, और जो मेरे बड़े बालों की ख्वाहिश है कि मेरे बड़े बाल हों तो वो पूरी हो जाती है इसी में। और ये मैंने ज्वेलरी के लिए बहुत ही सिंपल सी ज्वेलरी वेयर की है, और हाथों में भी आप कुछ भी वेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिंग्स वेयर की हुई हैं और ये वाला ब्रेसलेट एक किया हुआ है। आपको ये शादी की सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको क्रिएट करने में। आज जो था हमारा थर्ड एपिसोड, थर्ड थी, तो थर्ड लुक में हमने ब्राइडल शावर को ही रखना मुझे अच्छा ही लगा। मैंने कहा ब्राइडल शावर रख लेते हैं, उसके बाद जो जैसे जैसे लुक आएंगी वैसे वैसे हम लोग उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। ये था मेरा फाइनल फिनिश लुक, कैसा लगा आप सबको जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। अगर पसंद आई हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी जरूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट वीडियो कौन से देखना चाहते हो मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है, साथ बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करना है आप लोगों ने, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस जब भी मैं लेकर आऊँ ना तो आप सबसे पहले उससे नोटिफाई हो सके, मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करें, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बॉडी सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।